नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है एक इंटरसिटी ट्रेन के ऊपर, जिसका परिचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, बिहार के स्टेशन पर 11 तक चलेगा काम, बाहर की ट्रेनें भी रहेंगी प्रभावित। शनिवार 8 जनवरी से ही 11 जनवरी तक एक बार फिर बिहार के एक स्टेशन पर तकनीकी काम कराए जाने के कारण भारी संख्या में ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। स्टेशन बहुत छोटा है, लेकिन महत्वपूर्ण रूट होने के कारण ट्रेनें प्रभावित होंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अधिकारी ने बताया कि यात्रा सुगमता एवं यात्री सुविधा बढ़ाने के लिहाज से सोनपुर मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम होगा। इसी के लिए 7 से लेकर 11 जनवरी तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग कार्य कराए जा रहे हैं। इस अवधि में ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। उन्होंने इसके साथ ही एक उपलब्धि की भी जानकारी दी। बताया कि पूर्व मध्य रेल ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के 5 जनवरी तक यात्री यातायात माल ढुलाई आदि से प्राप्त होने वाला राजस्व रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 20,000 करोड़ को पार कर गया। 4 ट्रेनों का नियंत्रित परिचालन में हुआ है बड़ा बदलाव, जिसमें पटना से 9 जनवरी को खुलने वाली पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना और राजेंद्रपुल के बीच 40 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। तो यह था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो। अपडेट आने वाले नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।